दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट डेट एक्सटेंशन को लेकर के सीबीडीटी ने जो नया ऑर्डर निकाला है उसके अंदर उन्होंने साफ किया है कि जो रिप्रेजेंटेशंस गई हुई थी डेट एक्सटेंशंस के लिए उन सभी को रिजेक्ट किया जाता है और जो बे ग्राउंड जिन ग्राउंड्स पर उनको रिजेक्ट किया गया है जो रीजंस दिए गए हैं वो आप सभी को पता होंगे जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है उसके बाद अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है सी एस एंड टी पी एस ऑफ जलगांव ने इसको इस ड्यू डेट रिजेक्शन के अगेंस्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे वियरिंग ब्लैक रिबन्स इन्होंने वियर किए हुए हैं ये आप फोटोज़ देख सकते हैं इसके बाद ये जो लेटर है ये सबमिट किया है क्योंकि कोई भी इस डिसीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है जो डिसीज़न सरकार ने लिया है ये रिजेक्शन का तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन दी है आप देख पाएंगे इसकी डेट है ट्वेल्थ ऑफ जनवरी तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इनमें बताया है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और टैक्स प्रोफेशनल्स हैं वो किस तरीके से एक माध्यम है टैक्स पेयर्स एंड टैक्स कलेक्टर्स के बीच का एक इम्पॉर्टेंट लिंक है उनके बीच का और जो ये रिस्पॉन्स आया है सी बी टी टी एंड सी बी आई सी की तरफ से जो उन्होंने कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के दौरान भी एक्सटेंशन नहीं दी है ये जानते हुए भी कि किस तरीके से लोगों की जो लाइफ है वो बेडली अफेक्ट हुई है कोविड की वजह से और काफ़ी सारे टैक्स ऑर्गेनाइजेशंस के टैक्स ऑर्गेनाइजेशंस ने रिप्रेजेंटेशंस भी भेजी हैं टैक्स प्रोफेशनल्स ने जिनमें कि उन्होंने बताया है टैक्स पेयर की डिफ़िकल्टीज को एक्सप्लेन किया है उसके बाद ओवर एंड अबव जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात है जिसने क्लियरली इस चीज़ को माना है कि टैक्स पेयर्स को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए ड्यू डेट्स एक्सटेंड होनी चाहिए सी ने 11 जनवरी को एक रिजेक्शन ऑर्डर निकाल करके सभी एक्सटेंशन को रिफ्यूज़ कर दिया है नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बताया है

अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेस ऑन द टेक्स प्रोफेशनल एंड असेसी आर गोइंग टू सफर ड्यू टू अडेमेंट अप्रोच नॉट ओनली दिस बट लिटिगेशन इंक्रीज ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है दिस रिप्रजेंटेशन इज नॉट ओनली टू कंडेम द अप्रोच बट टू सजेस्ट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑल्सो यहाँ पे एक सोल्यूशन भी इन्होंने अ प्रेगमेटिक अप्रोच ऑफ स्ट्रेटेजिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ द ड्यू डेट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन वुड बी एडवाइजेबल ऑन बोथ से साइड दिस विल ईज आउट द स्ट्रेस एंड द बर्डन ऑन द सिस्टम द टैक्स प्रोफेशनल एंड टेक्सपियर एज वेल तो यहाँ पे स्ट्रेज एंड में इन्होंने डेट्स को डिमांड किया है लास्ट मोर दैन टेन ईयर्स डाटा शो दैट डेट ऑफ ऑडिट हैज़ टू बी एक्सटेंडेड टाइम एंड अगेन इन व्यू ऑफ वेरियस फैक्टर शुड दिस नॉट बी अ गाईड टू ऑल तो लास्ट दस ईयर से आप देख पा रहे हैं कि ऑडिट की डेट्स को टाइम टू टाइम आप एक्सटेंड कर रहे हैं द ह्यूज एंड क्राई ऑफ ब्लीडिंग स्टेक होल्डर इज डिमांडिंग अ परमानेंट सोल्यूशन काइंडली टेक अ लॉजिकल एंड कॉपरेटिव व्यू ऑफ द मैटर एंड री थिंक द इशू तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप इस मैटर को एक बार और इस पर विचार कीजिए री थिंक कीजिए और स्ट्रेजर अप्रोच लगाइए ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए क्योंकि इकतीस मार्च 2021 तक के पीरियड तक के लिए तो ये लेटर जो है आज यानी कि ट्वेल्थ ऑफ जनवरी को गया है फाइनेंस मिनिस्टर के पास उनके डिसीजन को रीथिंक करवाने के लिए कि दोबारा से आप अपने डिसीज़न पर विचार लीजिए हालांकि हाई कोर्ट की हम वेट कर रहे हैं कोशिशें है कर रहे हैं कोई पॉजिटिव यहाँ पे मैं आपको नहीं कहूँगी कि डेट एक्सटेंड हो ही जाएगी लेकिन दोस्तों जो कोशिश हमें करनी चाहिए वो हम कर सकते हैं हमें हार नहीं माननी चाहिए तो आप ये सभी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग